हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट के एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के सेशंस में। हमने पिछले चैप्टर में एग्रीकल्चर के बारे में थोड़े बहुत बेसिक्स देखे हुए थे और हमने देखा कि चंद इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स क्या हैं जो इंडियन एग्रीकल्चर को प्लेग कर रहे हैं, जो इंडियन एग्रीकल्चर फेस कर रहा है। तो आज के इस चैप्टर में हम उसी के पार्ट को जो है कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे चंद और इंपॉर्टेंट इसी तरीके के बेसिक नॉलेज जिसके बारे में हमें जानना होगा एग्रीकल्चर के बारे में। आइए शुरू करते हैं। क्रॉप एंड इट्स क्लासिफिकेशन तो बहुत जरूरी है। देखिए, क्रॉप वर्ड जो है वो बस ये कहलाता है कि कोई भी एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट हो या फिर कोई एक स्पेसिफिक प्लांट वगैरह या फिर कोई एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट जो है वो बल्क में आप ग्रो कर रहे हैं तो उसे क्रॉप कहा जाता है। क्रॉप कोई भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल पैडी है। पैडी जो है वो आप एक एक पैडी का प्लांट जो है वो आप बो तो नहीं सकते, एक बल्क में आपको चाहिए। तो उन पैडी के प्लांट्स को जो है लगाना, उनका कल्टिवेशन वगैरह करना, उन सभी को जो है क्रॉप कहा जाता है। तो आइए जानते हैं कि क्रॉप्स और उनके क्लासिफिकेशंस किस तरीके से होते हैं, बहुत ही जरूरी है। एग्रोनॉमी ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, आइए देखते हैं इसके नाम इसका मतलब क्या है। एग्रोनॉमी इज अ ग्रीक वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम एग्रोस मीनिंग फील्ड एंड नोमोस मीन मैनेजमेंट। पिछले चैप्टर में याद करवाऊं तो एग्रीकल्चर के बारे में हमने देखा हुआ था, अगर आप भूल गए हो तो फिर से जाकर रिवाइज कीजिएगा। तो वहां पर हमने सॉयल कल्टिवेशन देखा कि एग्रीकल्चर जो है वो लैटिन वर्ड से आया हुआ है। तो यहां पर एग्रोनॉमी जो है वो ग्रीक वर्ड से डिराइव होता है जिसका माना है फील्ड मैनेजमेंट, यानी कि फील्ड को जो मैनेज करना, आपका जो कोई भी फील्ड है, खेत जो है आपका, वहां पर किस तरीके से आप क्रॉप्स को मैनेज कर रहे हैं उसे एग्रोनॉमी कहा जाएगा। इट इज़ अ स्पेशलाइज्ड ब्रांच इन एग्रीकल्चर डीलिंग विद क्रॉप प्रोडक्शन एंड सॉयल मैनेजमेंट। तो ये स्पेशलाइज्ड ब्रांच है एग्रीकल्चर का, जहाँ पर आप साइंटिफिकली पढ़ते हैं या फिर रैंडमली भी आप जानते हैं कि क्रॉप्स को किस तरीके से प्रोड्यूस किया जाता है, जिस सॉयल में क्रॉप प्रोडक्शन हो रहा है उसे किस तरीके से मेंटेन किया जाता है, फर्टिलाइजर्स मैन्यूर्स वगैरह क्या होते हैं, हार्वेस्टिंग सीजन क्या होता है, इन सभी के बारे में आप जानते हैं तो उसे एग्रोनॉमी कहते हैं। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन क्लाइमेट, तो क्रॉप्स के जो है क्लासिफिकेशंस किए जाते हैं। आगे के स्लाइड्स में भी इस तरीके के चंद इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशंस देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई गवर्नमेंट एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। डायरेक्टली भी पूछते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रॉपिकल क्रॉप और विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेम्परेट क्रॉप, तो कई बार हमें पता नहीं चलता कि ये होता क्या है। तो दिस आर एक्चुअली क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे कि क्लाइमेट है या फिर आगे भी हम देखेंगे बेस्ड ऑन देयर रूट सिस्टम, बेस्ड ऑन देयर कल्टिवेशन एक्सेट्रा। तो फिलहाल के लिए क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स बेस्ड ऑन क्लाइमेट। तो क्लाइमेट पर दो क्लासिफिकेशन हो सकते हैं। सबसे पहला ट्रॉपिकल क्लाइमेट, हमने ट्रॉपिकल के बारे में ऑलरेडी बात किया हुआ है, तो मैं आपसे फिर से रिकमेंड करूंगा कि अगर आप भूल गए हो तो पिछले चैप्टर्स में जाइए, हमने क्लाइमेट्स वगैरह में देखा हुआ था ट्रॉपिकल क्लाइमेट, टेम्परेचर क्लाइमेट, टेम्परेट क्लाइमेट वगैरह, तो ये सभी जो है बेस्ड ऑन क्लाइमेट है। तो ट्रॉपिकल क्रॉप्स होते क्या है? क्रॉप्स ग्रो वेल इन वार्म एंड हॉट क्लाइमेट। ट्रॉपिकल का माना ही वार्म एंड हॉट क्लाइमेट होता है, जो कि इक्वेटर के नॉर्थ और साउथ होते हैं 23.5 डिग्रीज नॉर्थ एंड साउथ तक, तो उन्हें ट्रॉपिकल क्रॉप्स कहा जाएगा। जो कोई भी क्रॉप्स इस एरिया में उगते हैं, फॉर एग्जाम्पल राइस, शुगर केन, ज्वार एक्सेट्रा, ये सभी हमें इंडिया में भी देखने को मिलेंगे, तो क्योंकि इंडिया जो है वो एक ट्रॉपिकल कंट्री है। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन क्लाइमेट इज अ टेम्परेट। क्रॉप्स ग्रो वेल इन कूल क्लाइमेट, हमने ऑलरेडी देखा टेम्परेट में इतना हीट नहीं होता, वार्म एंड हॉट क्लाइमेट नहीं होता, थोड़ा बहुत कूल ही होता है, तो वहां पर टेम्परेट क्रॉप्स ग्रो होते हैं। टेम्परेट क्रॉप्स का बेस्ट एग्जाम्पल वीट, ओट्स, ग्राम, पोटेटो एक्सेट्रा, ये सभी इंडिया में भी ग्रो होते हैं लेकिन इनकी तादाद कम होती है व्हेन वी कंपेयर्ड विद राइस, शुगर केन एक्सेट्रा। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ग्रोइंग सीजन्स, तीन इंपॉर्टेंट सीजन्स होते हैं, कई बार हम कंफ्यूज होते हैं खरीफ सीजन क्या है, रबी सीजन क्या है, आइए देखते हैं। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट ग्रोइंग सीजन जो है वो है खरीफ सीजन, या फिर इसे रेनी सीजन भी कहा जाता है या फिर इसे मॉनसून सीजन भी कहा जाता है, और जो क्रॉप्स इन सीजन्स में होते हैं उसे खरीफ, रेनी या फिर मॉनसून क्रॉप्स कहा जाता है। तो इन सीजन्स के मंथ्स को याद रखिएगा कि बहुत ज़रूरी है। तो खरीफ सीजन या फिर खरीफ क्रॉप्स जो होते हैं वो जून से लेकर अक्टूबर या नवंबर तक जो है उगाए जाते हैं, सिर्फ इन्हीं टाइम फ्रेम में ही इसे उगाया जाता है। दे रिक्वायर वार्म एंड वेट वेदर एंड बेस्ट एग्जाम्पल इज कॉटन, राइस, ज्वार एंड बाजरा, ये सभी जो है वो खरीफ क्रॉप्स कहलाएंगे क्योंकि ये सिर्फ अक्टूबर और नवंबर, जून से लेकर अक्टूबर नवंबर तक के महीने में ही इन्हें उगाया जा सकता है। दूसरा सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन क्रॉप का जो है वो है रबी, या फिर इसे विंटर या फिर कोल्ड सीजन क्रॉप्स भी कहा जाता है, एंड दे आर सोन या फिर दे आर ग्रोन फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च, ज्यादातर विंटर सीजन वहां पर होता है तो ये क्रॉप्स वहीं पर उसी सीजन में जो है उगते हैं। क्रॉप्स ग्रो वेल इन कोल्ड एंड ड्राई वेदर्स, एग्जाम्पल वीट, ग्राम, सनफ्लावर एक्सेट्रा, ये सभी जो है मार्च से लेकर अक्टूबर से लेकर मार्च तक के बीच के टाइम फ्रेम में जहां पर विंटर सीजन जो होता है वहीं पर ये उगते हैं। समर और जायद, तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट सीजन या फिर क्रॉप टाइप क्रॉप अगर हम कह लें तो वो जायद क्रॉप्स होगा,
होगा। फ्रॉम मार्च टू जून यहाँ पर समर ही समर होता है, रिक्वायर वार्म एंड ड्राई वेदर। एग्जाम्पल ग्राउंड नट्स, वाटरमेलन, पंपकिन, ग्राउट्स एक्सेट्रा, ये सभी जो है इन्हें समर क्रॉप्स भी कहते हैं या फिर जायद क्रॉप्स भी कहते हैं। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टाइम फ्रेम्स और ये नाम, खासकर खरीफ, रबी एंड जायद, कई बार एग्जाम्स में डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन लाइफ ऑफ क्रॉप्स, यानी कि क्रॉप का जो लाइफ साइकिल होता है, लाइफ स्पैन होता है, कितने देर तक या फिर कितने दिन तक जो है वो कंप्लीट करता है या फिर कितना टाइम वो लेता है खुद को पूरी तरीके से मेच्योर करने में, प्रोड्यूस करने में, तो इसके बेसिस पर भी चंद क्लासिफिकेशन किए जा सकते हैं। जैसे कि सीजनल क्रॉप, जब हम कहते हैं अ क्रॉप कंप्लीट इज लाइफ साइकिल इन वन सीजन, बस एक ही सीजन होता है और उसके बाद इनका लाइफ साइकिल खत्म होता है। एग्जाम्पल राइस, जवार, वीट, टू सीजनल क्रॉप्स, इनके दो सीजन होते हैं। क्रॉप कंप्लीट्स इट्स लाइफ साइकिल इन टू सीजन, एग्जांपल कॉटन, टर्मरिक एंड जिंजर, दो अलग अलग सीजन कॉन्सिक्यूटिवली लगते हैं इन्हें पूरी तरीके से मेच्योर होकर प्रोड्यूस करने के लिए। एनुअल क्रॉप्स, क्रॉप्स रिक्वायर वन फुल ईयर टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल, एग्जांपल शुगर केन, ये भी जाहिर सी बात है पूरा साल लग जाता है शुगर केन को ग्रो होने में और आखिर में हार्वेस्ट इन्हें किया जाता है, तो इन्हें एनुअल क्रॉप्स कहा जाएगा। बायनियल क्रॉप्स, क्रॉप्स रिक्वायर टू ईयर टू कंप्लीट इट्स लाइफ, एग्जांपल बनाना, पपाया, ये आसानी से उगते नहीं है, लगभग दो से ढाई साल जो है वो लग जाते हैं बनाने ट्री को उगने के लिए या फिर पपाया ट्री को अच्छी तरीके से मैच्योर होने के लिए और उसे पूरी अच्छी तरीके से जो है ताकि वो फ्रूट्स वगैरह दें, तो इन्हें बायनियल क्रॉप्स भी कहा जाएगा। पेरेनियल क्रॉप्स, क्रॉप्स लिव फॉर सेवरल ईयर्स, दैट इज फ्रूट क्रॉप्स, मैंगो, गुआवा एक्सेट्रा, एक बार जब आप इन्हें प्लांट करते हैं तो ये रेगुलरली हर उस सीजन के टाइम पर जो है आपको प्लांट्स, आपको जो है फ्रूट्स देते ही रहते हैं, तो इस तरीके के ट्रीज को या फिर इस तरीके के क्रॉप्स को जो है वो पेरेनियल क्रॉप्स कहा जाएगा। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, ये बहुत ही जरूरी है क्योंकि पैसे के लिए ही तो सब कुछ किया जाता है, तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पर भी दो मेजर क्लासिफिकेशन किए जाते हैं। सबसे पहला कैश क्रॉप्स जिन्हें कहा जाता है, ग्रोइंग फॉर अर्निंग मनी, एग्जांपल शुगर केन, कॉटन, इसमें जो रिटर्न जो होता है वो हद से ज्यादा होता है, हालांकि इन्वेस्टमेंट भी अच्छी होती है, जब आप इन्वेस्ट अच्छा करेंगे तो प्रोडक्ट अच्छा आएगा तो आप जल्द से जल्द जो है अमीर बन जा सकते हैं, इस तरीके के क्रॉप्स को जो है वो कैश क्रॉप्स कहा जाएगा। दूसरा जो इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन है वो है फूड क्रॉप्स, यानी कि ग्रोन फॉर रेजिंग फूड ग्रेन्स फॉर द पॉपुलेशन एंड फोडर फॉर द कैटल, यानी कि खाने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए, उसे सर्वाइव करने के लिए, सस्टेन करने के लिए जो फूड क्रॉप्स वगैरह हम उगाते हैं, बेस्ट एग्जांपल जवार, वीट, राइस एक्सेट्रा, ये सभी जो है वो फूड क्रॉप्स होते हैं, इनमें इतना रिटर्न जो है वो नहीं होता क्योंकि ज्यादातर यही फूड क्रॉप जो है वो उगाए जाते हैं। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन कल्चरल मेथड और वाटर, यानी कि जिस तरीके से आप वाटर इस्तेमाल कर रहे हैं सींचने के लिए, सिंचाई करने के लिए, उसके बेसिस पर भी क्रॉप्स को क्लासिफाई किया जा सकता है। सबसे पहला रेनफेड, यानी कि कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप मेनली बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ रेन वाटर, डायरेक्टली आप बारिश के भरोसे ही बैठते हैं, आपको कोई भी इरीगेशन फैसिलिटी नहीं मिलती, इस तरीके के क्रॉप्स को जो है आप रेनफेड क्रॉप भी कहेंगे। एग्जाम्पल ज्वार, बाजरा, मूंग, मूंग की दाल वगैरह, ये सभी जो है वो ज़्यादातर रेन्स पर ही डिपेंड करते हैं। सेकेंड वन इज इरीगेटेड क्रॉप, जहां पर इरीगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड किए गए हैं, आपने अलग अलग इरीगेशन सिस्टम्स का इस्तेमाल किया हुआ है, स्प्रिंकलर वाटर सिस्टम, ड्रिप इरीगेशन सिस्टम, इस तरीके का इस्तेमाल करके आपने जो है सिंचाई की हुई है। क्रॉप्स कल्टिवेटेड विद द हेल्प ऑफ इरीगेशन वाटर, एग्जाम्पल चिल्ली, शुगर केन, बनाना, पपाया एक्सेट्रा, शुगर केन के लिए तो मैंडेटरी है वाटर, बिना वाटर के शुगर केन का ग्रो होना जो है वो नामुमकिन है। अब वैसे तो हर क्रॉप का बिना वाटर के लिए ग्रो होना नामुमकिन है, लेकिन शुगर के लिए, शुगर केन के लिए जो है एडिक्वेट वाटर होना बहुत ही जरूरी है। और आखिर में चंद इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशंस जो एग्रीकल्चर में लाए गए हैं, यानी कि इन प्रोडक्ट्स को लाने के लिए या फिर इन प्रोडक्ट्स की बढ़ोतरी बढ़ाने के लिए जो है अलग अलग देश की नहीं, दुनिया भर के अलग अलग कोनों में जो है इस तरीके के रेवोल्यूशंस लाए गए थे ताकि उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट को जो है डबल या फिर ट्रिपल करें या फिर उसकी जरूरत ज़्यादा है और उसका प्रोडक्शन जो है ज़्यादा जो है वो बढ़ा दिया जाए, इसलिए तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे रिकमेंड करूँगा कि आप इन सभी को नोट डाउन कर लें और रिवाइज कर लें, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन जो हम कहते हैं वो फूड ग्रेन के प्रोडक्शन के लिए कहते हैं, गोल्डन रेवोल्यूशन जब हम कहते हैं तो फूड प्रोडक्शन के लिए कहते हैं, ग्रे रेवोल्यूशन जब हम कहते हैं तो फर्टिलाइजर्स के प्रोडक्शन के लिए कहते हैं, ब्लू रेवोल्यूशन जब हम कहते हैं तो इट इज एसोसिएटेड विद द फिश, जाहिर सी बात है कि ओशन इज ब्लू, ब्लैक रेवोल्यूशन जब हम कहते हैं तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के लिए, खासकर क्रूड ऑयल के लिए, पिंक रेवोल्यूशन जब हम कहते हैं तो प्रॉन्स प्रोडक्शन के लिए, झींगे जिसे कहा जाता है, राउंड रेवोल्यूशन जब
हम कहते हैं तो वो पोटैटो के प्रोडक्शन के लिए होता है। रेड रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद टोमेटो और मीट प्रोडक्शन। सिल्वर रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद पोल्ट्री और एग प्रोडक्शन। व्हाइट ऑफकोर्स इज एसोसिएटेड विद मिल्क प्रोडक्शन। इंडिया में भी बहुत अच्छी खासी तादाद में व्हाइट रेवोल्यूशन हुआ था। सर वर्गीज कुरियन की जब हम बात करते हैं तो ही इज ऑल्सो कॉल्ड एज द फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया। तो व्हाइट रेवोल्यूशन भी इंडिया में अच्छे खासे तौर पर किया गया था। मिल्क का प्रोडक्शन जो है वो दुगने तीन गुने प्रोडक्शन अमाउंट में जो है या फिर क्वांटिटीज में जो है वो किया गया था एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम 1970s की जब मैं बात कर रहा हूँ। तो वाइट प्रोडक्शन या फिर वाइट रेवोल्यूशन की जो है बात मैं कर रहा हूँ, मैं आपसे रिकमेंड करूँगा इसके बारे में भी पढ़िएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। येल्लो रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विथ ऑयल सीड्स प्रोडक्शन। तो ये सभी देश और दुनिया भर के अलग अलग रीजन्स में इन सभी प्रोडक्ट्स को जो है प्रोड्यूस करने के लिए फार्मर्स को पुश देने के लिए एडिक्वेट फैसिलिटीज वगैरह सरकार प्रोवाइड कर सके उन्हें स्पेसिफिकली जो है इन रेवोल्यूशंस के अंडर कैटेगराइज किया गया है। ये थी चंद बातें आपको जाननी थी एग्रीकल्चर के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।